राज्य मंत्री संदीप सिंह सुरमा का पिहोवा में किया गया स्वागत। आज पिहोवा में राज्य मंत्री संदीप सिंह सुरमा का भव्य स्वागत किया गया। इलाके के हजारों लोगों ने इस समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने सभी समर्थकों के साथ भारी मात्रा में शांति पैलेस पहुंचकर आगे की रणनीति तय की और सभी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया और प्रण लिया कि इसी तरह भाजपा की सेवा करते रहेंगे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बार बार भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे कि पूरा हॉल गूंज उठा। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिलाया कि पार्टी में उनका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। मंत्री संदीप सिंह ने अपने भाषण में कहा कि सभी काम छोड़कर इलाकों की तरक्की के बारे में सोचना है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही हर गांव का दौरा करके वो उनकी समस्या सुनकर और जो कमियां पहले रह चुकी हैं वह पूरी की जाएंगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यदि कार्यकर्ता ऐसे ही उत्साह दिखाते रहेंगे तो सरकार में भी इसी तरह का उत्साह नजर आएगा। हर वो गरीब का, पेवा का, इस्माइलाबाद का, झांसा का, हर गांव का, पेवा हल्के का काम हो। अगर मैं दिन में 5 कार्यक्रम करूंगा और 10 जगह चाय पीऊंगा, खाना खाऊंगा, मुझे लगता है कि मुझे 2 महीने लग जाएंगे पूरे हल्के को कवर करने में। और 2 महीने में बजट यहां से यहां आ जाएगा और हमारे खाते में पैसे नहीं आएंगे। सही बात है, गलत है? मुझे लगता है कि आप लोगों को समझना चाहिए, मैं किसी को मना नहीं करता हूं, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि हम जितने गांव में ज्यादा जाएंगे उतने हमें दिक्कतें पता चलेंगी, काम पता चलेंगे। उस काम को लेकर हम चंडीगढ़ देके आएंगे, उसका बजट आएगा, जल्दी से जल्दी आपके काम शुरू होंगे। अगर वो मैं लेट करूंगा तो बजट भी कम होगा, हो सकता है कि काम भी कम होगा। मैं इस हल्के को एक रोल मॉडल, एक पायलट हल्का बनाना चाहता हूं।